अरे आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा। राजनीतिक दुनिया की हर मंगली खबरें, अपराध पर कसा छाना, किसने किया भ्रष्टाचार और कौन है अपराधी, हर खबर का सच यानी पूरा सच देखना ना। महात्मा गांधीजींच्या 150व्या जयंतीनिमित्त सर्व खासदारांनी 150 किलोमीटरचा पदयात्रा आपापल्या मतदारसंघात करून जनजागृती करण्याचा आवाहन केलेलं आहे। आणि या वर्षी आपण लोकांनी धारा 370 कलम हटवून देशाला एक स्वाभिमान आणि गौरव प्राप्त करून दिलं, त्याचं औचित्य साधून 15 ऑगस्टच्या दिवशी पहिली यात्रा आम्ही लोकांनी 10 किलोमीटरचा बोरिवली विधानसभेमध्ये पूर्ण केलं। आज दुसरा टप्पा आम्ही दहिसर विधानसभेतून प्रारंभ करतो आणि येणाऱ्या काळामध्ये लवकरात लवकर आम्ही 150 किलोमीटरचा हा यात्रा पूर्ण करून लोकांमध्ये एक चैतन्य निर्माण करून लोकांच्या समस्या जाणून घेऊ आणि त्या समस्याचं निराकरणसुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये सर्व नगरसेवक आमदार आणि खासदार म्हणून आम्ही करण्याचा प्रयत्न करू। महात्मा गांधी का देखिए, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती हम इस साल मनाने वाले हैं। ऐसे समय पर देश के प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को 150 किलोमीटर का पदयात्रा करने का सूचना कही है, आदेश कही है, किया है उन्होंने। तो धारा 370 भी देश में से मिट गया, तो उसका लाभ लेते हुए मैंने 15 अगस्त से ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ किया। हमने 10 किलोमीटर का एक पहला टप्पा पूरा किया, आज दहिसर में फिर एक बार हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। हमारी ये सोच है कि हम देश की जो गरिमा है, देश का जो स्वाभिमान है, वो देश के हर नगरजनों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर, ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाए? अभी ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर जितना लोगों में उत्साह, स्फूर्ति, जनता का प्रतिसाद जितना मिलता है उतना तब तक हम प्रारंभ करेंगे। परसों का पहला यात्रा हम 3 घंटे चले, अभी आज देखेंगे कितना होता है। सर, मराठी में जाएगा। यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना, दुर्घटना या किसी तरह की खबर है
तो जी न्यूज कैंटीन पर वीडियो सही होती है और हमारे जी न्यूज कैंटीन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।